उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी पार्टी चला रही है, सत्ता में आप हैं, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, और ऐसे में कन्नौज वाली घटना जब होती है तो बीजेपी कहती है कि यूपी के दो लड़कों की वजह से अपराधियों की ये हिमाकत बढ़ी है, तो ये दुष्प्रचार है विरोधियों के खिलाफ या फिर ये बीजेपी सरकार की लाचारी की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी की वहां जिम्मेदारी है कानून को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन बीजेपी की जिम्मेदारी वहाँ के जो रेपिस्ट और बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं उनकी नहीं है। तो जो भी समाजवादी पार्टी के नज़दीकी हैं जैसे मोहित खान, और जिनको बचाने की कोशिश कैसे की बाकायदा खुद अखिलेश यादव जी ने, और जिस तरह से अब दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है नवाब यादव से, साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है, उनका राजनीतिक डीएनए क्या है, हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आज़म खान ने जिस तरह की भद्दी और गंदी बातें कही थी जयप्रदा जी के बारे में, वो हम सब ने सुनी है। हम जानते हैं कि सीनियर लीडर्स के क्या सोचते हैं कि अरे लड़के हैं, लड़के तो ऐसे काम करेंगे, ये सब हम जानते हैं। और वही पार्टी है, एक नहीं दो, अयोध्या में क्या हुआ, 12 साल की बच्ची अब देश जी के बिल्कुल नज़दीकी, अब तो वो कह रहे पल्ला झाड़ रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट हो, क्यों डीएनए टेस्ट हो, यकीन नहीं है। 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं इस मामले में। अब कह रहे नवाब यादव को जानते नहीं थे, किसने प्रचार किया है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या डिम्पल जी हों, किसने उनका लगातार प्रचार किया है, सालों साल का जो पुराना रिश्ता रहा है। बल्कि अखिलेश यादव जी जब सीएम थे तो इन्हें मिनी सीएम कहा जाता था, इतना भौकाल था भाई साहब का। और जिस अवस्था में वो पाए गए हैं सबने देखा है, जब फोन किया गया, और जूही जी क्या कहती हैं सुनिए, समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता कहती थी लड़की अगर 15 साल की थी तो नौकरी की ढूंढ रही थी, लड़की अगर 15 साल की थी तो फोन पर 12 बजे बात क्यों कर रही थी, ये आप सोचिए। मतलब आप विक्टिम को, यानी कि जो महिला है उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे कि आपने 12 साल की बच्ची पर किया, अब 15 साल की बच्ची पर किया है। अब बताइए इसमें भाजपा की कानून प्रणाली और लॉ एंड ऑर्डर स्थिति का क्या लेना देना है? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। नहीं, लेना देना तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो इसलिए बीजेपी सरकार का लेना देना है ना, ये नहीं कह सकते आपकी लेना देना क्या है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी को लेकर आपने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं उस पर मैं जवाब लेती हूँ राजकुमार भाटी जी से। एक तरफ आप कहते हैं उसी को कटघरे में खड़ा करते हैं कि वो क्या कर रही थी बच्ची, दूसरी तरफ आप लोग पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं उस आरोपी से। कंफ्यूजन है क्या सर समाजवादी पार्टी में, और क्या डीएनए में समाजवादी पार्टी के अपराध ही है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, अपराधी चाहे रेपिस्ट हो, चाहे कोई मर्डर करता हो, लूट करता हो, किसी भी अपराध में संलिप्त हो, उसके खिलाफ सरकार को, कानून को, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई अगर दूसरी पार्टी जुड़ा हुआ है बीजेपी को छोड़कर तो और ज़्यादा सख्त करो। हम किसी अपराधी के बचाव में नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अपराध नियंत्रण के बजाय विरोधियों को बदनाम करने, विपक्षियों का चरित्र हनन करने और कुछ जाति और धर्म के लोगों को विशेष तौर पर बदनाम करने के कुचक्र में हर समय लगी रहती है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में डेली 10 मर्डर होते हैं और 11 रेप होते हैं, 10 मर्डर और 11 रेप। लेकिन सरकार एक अहंकार में डूबी हुई है, आत्ममुग्धता में डूबी हुई है, और सरकार केवल विरोध, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब लखनऊ की एक घटना होती है छेड़छाड़ और बारिश के टाइम में, सबने वो वीडियो देखे, तो विधानसभा के अंदर केवल 2 ही लोगों का नाम लेते हैं, एक मुस्लिम का, एक यादव का, क्योंकि इन्हें कुछ वर्गों से नफरत है और विरोधियों से नफरत है। जबकि उसमें 16 लोग अरेस्ट होते हैं, उसमें कई जातियों के लोग होते हैं, किसी का नाम मुख्यमंत्री नहीं लेते। नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरें हमने भी निकलवाई हैं। बचाने का सवाल है, प्रोड्यूसर से कहूंगी जरा वो तस्वीरें चलवाइए, वो तस्वीरें हैं। आपने जो पॉइंट रखा सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको लेकर एक बार शाजिया को जरा जरूर जवाब देना चाहिए शाजिया, क्योंकि यही विपक्ष की आवाज जो है वो मजबूत होती है, क्योंकि ये लखनऊ वाला मामला आ रही हूं सर, दोबारा आपके पास ही आऊंगी। यहां पर आरोपियों की लंबी फहरिस्त, लेकिन विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नाम लेते हैं तो वो किन 2 युवकों का नाम लेते हैं? उनमें से एक यादव होता है, दूसरा मुसलमान होता है, और जिस समय मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे थे तब तक भी
चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे जो अन्य जाति धर्म के थे, पर उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो जो अभी कह रहे हैं राजकुमार भाटी साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को बदनाम करने के लिए, कुछ जाति धर्म वालों पर निशाना साधने के लिए, ये राजनीति चमकाकर अपराध पे काबू करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? प्लीज रिस्पॉन्ड शाजिया इल्मी। यस, आफ्टर यू फिनिश आई विल रिस्पॉन्ड। यू जस्ट फिनिश सो आई विल रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं पर्दाफाश कर दूं जो अभी झूठी बात कही गई थी कि इतने ज्यादा मामले हैं। अगर आप क्राइम रेट को देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो उस वो है 171%, जो पूरे देश के 258% से कंपैरिजन में है, यानी कि 100% कम है। अगर आप 171.6% देखेंगे यूपी का, वो इतना कम है पूरे देश से। तो ये पूरी तरह से झूठ है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है, बावजूद इसके कि सबसे बड़ा वो राज्य है डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट वहाँ पे है, और अपने साइज के और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत ही कम घटनाएं हो रही हैं जो इस तरह की, और उसमें रुकावट आई है। दूसरी और बड़ी बात, हम मैं नहीं कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, रेपिस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी है। मैं कह रही थी कि जो रेप कर रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन जो अगर रेपिस्ट बाकायदा उनके क्लोज कनेक्शन है, उनको शेयर दी जा रही है, पॉलिटिकल पेट्रनेज मिला है, ऊपर वाले साथ बैठे हैं, और दुस्साहस वही कर सकता है इंसान जिसको कोई बचाने वाला हो, जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार करता है, ये वही कर सकता है जिसको बहुत पेट्रनेज मिली हो, वो जानता है बच सकता है। ये जो इंसान है नवाब, आप जानती हैं किस तरह के मुकदमे रहे इसके, और उस दौरान जब वो मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री रहे और लगातार उसका साथ रहा है सपा के साथ, बीच में दूरी हो गई, पास आ गई, ये तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।